फिर से वीडियो ले रखा है DPS DAE रिक्रूटमेंट 2022 का रिक्रूटमेंट, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं सारी जानकारी इसमें ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक अप्लाई चलने वाला है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आने वाले वीडियो हर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। इसी तरफ हेल्पफुल वीडियो इसी चैनल में ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में आप लोग को भी देखने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें पोस्ट नेम आप लोग को मिलेगा DPSN DAE फुल फॉर्म में बाद में बताऊंगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट 2022 इसमें जूनियर परचेस असिस्टेंट स्टोर कीपर आप लोग को पोस्ट मिलने वाला है। दोस्तों ये देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में बात करेगा तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ परचेस एंड स्टोर, ये DPS के फुल फॉर्म है दोस्तों। उसके बाद ये देख सकते हो DAE के मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी है दोस्तों। इसमें आप लोग का पोस्ट नेम आप लोग को मिलेगा जूनियर परचेस असिस्टेंट पोस्ट मिलेगा, उसके बाद स्टोर कीपर मिलेगा दोस्तों। नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग को मिलेगा 70 पोस्ट, इसमें आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें गवर्नमेंट जॉब के कैटेगरी बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और जॉब लोकेशन के बात करेंगे दोस्तों ऑल इंडिया लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया है दोस्तों। इसमें हु कैन अप्लाई के बात करें, किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। इसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उसका साथ अगर डिप्लोमा होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद एज लिमिट के बात करेगा दोस्तों 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट के हिसाब से आप लोग को एज रिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 5 ईयर एज रिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद OBC में बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स आप लोग को एज रिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। सैलरी के बात करेगा तो दोस्तों 25,500 से लेकर आप लोग को बढ़ते लेगा 50,000 तक सैलरी मिलने वाला है दोस्तों। एग्जामिनेशन के बात करें तो आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को एग्जाम देना होगा। एप्लीकेशन फीस के बात करें तो दोस्तों जनरल OBC EBWS जगह 100 रुपीज़ आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। इसमें SC ST PWD फीमेल के EWS के लिए तो 0 है, नील है, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट अगर विजिट करना चाहते हो तो देख सकते हो www.dpsdae.gov.in वेबसाइट पर आप लोग को जाना है दोस्तों। और ये अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा दोस्तों 20 अक्टूबर 2022 से लेके 10 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। जब ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर होगा, मैं आप लोग को प्रोसेस बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस कैसे करें, मैं आप लोग को प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो इसलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो इसी तरह आप लोग को भी नोटिफिकेशन जब ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर होगा, मैं आप लोग को प्रोसेस बताऊंगा वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग को भी नोटिफिकेशन मिलने के लिए इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद दोस्तों इसमें आप लोग को मैंने पहले भी इसी पर बताया पोस्ट नेम की बात कर जूनियर असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर है, वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा इसमें टोटल 70 पोस्ट है। इसमें UR के लिए 13 पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए 23 पोस्ट है, EWS के OBC के लिए 12 है, EWS के लिए 22 पोस्ट है। लेकिन दोस्तों इसमें ST कैटेगरी के लिए तो नील है दोस्तों, लेकिन जो लोग ST कैटेगरी है आप लोग UR कैटेगरी करके आप लोग को पार्टिसिपेट कर सकते हो। UR का मतलब आपको पढ़ाएगा जो हाईएस्ट मार्क होगा वो ही है सेलेक्ट कर दिया जाता है। इसमें कोई भी कैटेगरी से अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो UR कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैंने बताया था दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों, या उसका साथ साथ आपका परसेंटेज 60% मार्क होना ज़रूरी है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप पार्टिसिपेट अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो एप्लीकेशन फीस के बारे में भी मैंने पहले से भी बताया, फिर से आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो दोस्तों।
दोस्तों उसका बाद मैं आप लोग को बता दूँ इसमें एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अरिथमेटिक्स में आपका कोई सिलेबस है, उसका बाद जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो इसमें 200 मार्क का होगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन 100 मार्क का होगा टोटल। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज कंप्यूटर में आप लोग का टोटल 200 मार्क का होगा और टाइम 2 आवर्स होगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 100 मार्क का होगा, 3 आवर्स होगा दोस्तों। उसका बाद ये सिलेबस आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो दे ले सकते हो, सारी जानकारी देख सकते हो। मैं सारी बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सब बता नहीं पाऊँगा। आप वीडियो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ये देख सकते हो सारी सिलेबस अगर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें क्या क्या है। ये देख सकते हो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। जब ऑनलाइन अप्लाई 20 अक्टूबर होगा मैं आप लोग को प्रोसेस बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, तो इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो ये अप्लाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो नहीं वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सर इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को ऑल इन देखने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।